आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का कर रहे हैं दौरा। उन्हें दोबारा चुनने के लिए पीएम काशी की जनता का करेंगे धन्यवाद। काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन और सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 मई को दूसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिलाएंगे नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद को शपथ। लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में संकट गहराया। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़े। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर अपने परिजनों को पार्टी से ऊपर रखने का लगाया आरोप। कहा इससे पार्टी की छवि हुई खराब। और लोकसभा चुनाव होने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने हटाई आदर्श चुनाव आचार संहिता। चुनाव आयोग ने पत्र जारी कर दी जानकारी। थमे हुए विकास कार्यों में एक बार फिर आएगी तेजी। नमस्कार, मैं हूं समीर सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर। लोकसभा चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री का वाराणसी का यह पहला दौरा है। पीएम मोदी इस दौरान काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान शिव से आशीर्वाद लेंगे। बाद में प्रधानमंत्री भाजपा कार्यकर्ताओं को दीनदयाल हस्तकला संकुल में भी संबोधित करेंगे। वाराणसी के लिए एक बार फिर ऐतिहासिक दिन होगा 27 मई जब प्रधानमंत्री वाराणसी में होंगे। अपनी यात्रा की शुरुआत वे बाबा विश्वनाथ के दर्शन से करेंगे। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जो पूजा करेंगे उसमें षोडशोपचार पूजा, भगवान का पंचामृत से स्नान, भगवान की आरती, पुष्पांजलि, उसके बाद आशीर्वचन, यही पूजा होता है। षोडशोपचार पूजा भगवान का करते हैं। पुलिस लाइन हेलीपैड से विश्वनाथ मंदिर तक पहुँचने के दौरान जगह जगह पर लोग प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। काशी वासियों का ही नहीं विश्व का गौरव बढ़ा है, तो मोदी जी को हृदय से सबका धन्यवाद और सब लोग स्वागत के लिए व्याकुल हैं। बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद वे बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में लोगों से संवाद करेंगे। साथ ही वे उन सबका धन्यवाद भी व्यक्त करेंगे जिनकी मेहनत और आशीर्वाद से प्रधानमंत्री ने वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 5 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है। चुनाव की गहमा गहमी के बीच प्रधानमंत्री पिछले महीने 25 अप्रैल को भी वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। अपना नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने बीएचयू लंका गेट से गोदौलिया तक रोड शो के जरिए जन समर्थन मांगा था। इसके बाद उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की थी। इतिहास से भी पुरानी माने जाने वाली काशी नगरी पिछले 5 सालों से विकास का नया अध्याय लिख रही है। इस पुरातन धार्मिक सांस्कृतिक नगर ने करवट लेना सीख लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सांसद होने के नाते इस क्षेत्र में पुरातन छवि को सहेजते हुए नूतनता का शंखनाद किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल हस्तकला संकुल आकर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में प्रधानमंत्री और कार्यकर्ताओं के बीच के संवाद की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से वाराणसी के सांसद बने नरेंद्र मोदी आज काशी की जनता को धन्यवाद देने बनारस आ रहे हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पहले श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और उसके बाद दीनदयाल हस्तकला संकुल में आकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। जन से मिलने आ रहे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करने आ रहे हैं और यहां आने के बाद पहले प्रातः बाबा का दर्शन करेंगे, उसके बाद टीएफसी यहां आएंगे जहां हम सब खड़े हैं और आके यहां कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। यहाँ अभिनंदन समारोह का आयोजन होना है। अभी तो ये पूर्णतः पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है और पार्टी के जो श्रेणीबद्ध कार्यकर्ता हैं, बूथ प्रभारी से लेके सेक्टर संयोजक से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके उसके ऊपर के राष्ट्रीय स्तर तक के, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। गुजरात के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गांधीनगर में अपनी माता हीराबेन से मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने मां का आशीर्वाद दिया और उनका हालचाल भी जाना। हीराबेन ने भी हमेशा की तरह बेटे को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। बाहर होते हैं, आपके लिए सिक्योरिटी की इतनी समस्याएं होती हैं, पॉलिटिकली इतने बाहर होते हैं और मैं एक ही सब बात कहता हूं कि भाई देखिए जो होता है लेकिन इस देश की मातृशक्ति हमारी रक्षा कवच है।
माँ के आशीर्वाद जैसा प्यारा, सुंदर, निश्चल, कल्याणकारी शायद ही दुनिया में कोई दूसरा हो। प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें गांधीनगर की हैं, जहां वे रविवार की देर शाम एक बार फिर माँ से मिलने पहुंचे। हीराबेन ने भी हमेशा की तरह बेटे को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री को जब भी मौका मिला है वे माँ का हालचाल जानने और आशीर्वाद लेने जरूर पहुँचते हैं, और जब भी कोई बड़ा मौका होता है तो पीएम मोदी शायद ही कभी चूकते हैं। चाहे बात 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने की वक्त की हो, या फिर 2019 में दोबारा देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभालने की बारी हो, उन्होंने हमेशा मां का आशीर्वाद जरूर लिया है। पिछले महीने भी 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने मां से आशीर्वाद दिया था। उस समय भी हीराबेन ने जीत के लिए आशीर्वाद स्वरूप पावागढ़ माता को भेंट चढ़ाई चुनरी दी थी। ये वही मातृशक्ति है जो प्रधानमंत्री मोदी का कवच है। ये वही मातृशक्ति है जो उन्हें देश की सभी माताओं और बेटियों के लिए कल्याणकारी काम करते रहने की प्रेरणा देता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में सरदार पटेल की प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी। उनके साथ भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे। साथ ही एक जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और उन्होंने जन समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद के खानपुर स्थित पुराने भाजपा कार्यालय का भी दौरा किया। पीएम ने वहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने समर्थन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सूरत में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री का दिल्ली के बाहर पहला पड़ाव अहमदाबाद रहा, जहां उनका स्वागत पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अन्य पार्टी नेताओं ने किया। प्रधानमंत्री इसके बाद खानपुर में बीजेपी कार्यालय गए, जहां रास्ते में लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। खानपुर वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। यहां पर प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सूरत में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। एक तरफ कर्तव्य, बीजी तरफ करुणा। सूरत नी घटना भल भलाना हैया हच मचावी नाके भी अनेक कुटुंबों नो दीप बुझाई गयो। एक प्रकारे ये परिवार ना आशा अरमान भस्मीभूत थई गया। जेटलू पण दुख करिए ए ओछू छे, जेटली पण संवेदना व्यक्त करिए ये अधूरी छे। प्रधानमंत्री ने कानपुर में बिताए गए दिनों को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अहमदाबाद में गुजरात के लोगों का दर्शन करने आए हैं और राज्य के लोगों का आशीर्वाद हमेशा उनके लिए बेहद खास रहा है। प्रधानमंत्री ने पहली बार 300 सीटों को मिलने का भरोसा जताया था, जो बिल्कुल सही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल देश के लिए अहम होंगे। आप 5 वर्ष की साधना एकलव्य जीवी है, आप 5 वर्ष का उपयोग करीने एक निष्ठ साधना करीने आ 5 वर्ष में देश ने अनेक समस्याओं में मुक्त करवा संकल्प साथ आगल बधवूज रहू। एक रस समाज, एक संकल्प, एक राह, एक लक्ष्य एने लईने आवनारा दिवस में अभूतपूर्व सिद्धियों भारत प्राप्त करे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि मोदी मोदी का नारा पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। मोदी मोदी ना जे नारा छे ए नरेंद्र भाई नु गौरव नथी, नरेंद्र भाई नु सम्मान नथी, भारतीय जनता पार्टी नु सम्मान नथी थतु। आ मोदी मोदी ना नारा थी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों नु सम्मान समग्र दुनिया नी अंदर करावानु काम अपना नरेंद्र भाई ए करी छे। अहमदाबाद की ये यात्रा लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए थी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर सीधा संदेश भी दिया कि इन 5 सालों का उपयोग आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए करें और विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को अपने नए प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। नरेंद्र मोदी को शनिवार को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर फिर से सत्ता में आने पर फोन पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने भी जोर देकर कहा कि क्षेत्र की शांति समृद्धि के लिए आतंक मुक्त माहौल जरूरी है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि लोगों की भलाई के लिए दोनों ही देशों की सरकारें मिलकर काम करेंगी। पीएम मोदी ने भी पड़ोसियों को सबसे पहले वरीयता देने की अपनी नीति के तहत अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की याद दिलाते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से गरीबी से संयुक्त रूप से लड़ने के लिए सबसे पहले सुझाव का भी जिक्र किया। कानपुर के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के समारोह में पहुंचे हिंदी फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा को मिले इतने बड़े जनमत को देखते हुए सबको सहयोग करना चाहिए और सरकार को अच्छे ढंग से काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश पीएम मोदी के पक्ष में है और उनके साथ जनता का बहुत बड़ा बहुमत है। तो थोड़ी दिनों के लिए हमको शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बहुमत में जब आए हैं तो अभी एटलीस्ट 4-5 साल तो कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा छोटा मोटा बहुमत नहीं है, इतना बड़ा बहुमत है। तो इससे ये जनादेश है, ये मेरा या मैं सरकार के पक्ष में बोलूं या मोदी जी के पक्ष में बोलूं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरा देश उनके पक्ष में है, पूरा देश इस सरकार के पक्ष में है। इसी वजह से इतना बड़ा जनादेश आया है, इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट किया है, और अब ऐसा करना चाहिए पत्रकारों को भी और जो ऑपोजिशन के लोग भी हैं, 4 साल तक एटलीस्ट शांत हो जाना चाहिए और इस सरकार को काम करते देना चाहिए। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हो सकेगी और आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश सरकार या अन्य राजनीतिक दलों द्वारा अपने कार्यक्रमों व योजनाओं के प्रचार पर भी रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा प्रदेश सरकार के मंत्रियों पर विशेष व आपात परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी प्रशासनिक व सरकारी कार्यक्रम में जिलों का दौरा करने पर भी रोक थी। वहीं कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को धन शोधन के एक मामले में दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की ईडी की जो याचिका है उस पर दिल्ली उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। एजेंसी ने निचली अदालत की 1 अप्रैल की उस आदेश को रद्द करने की मांग की जिसमें वाड्रा की अग्रिम जमानत दी गई थी। ईडी ने दावा किया कि वाड्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया है। एजेंसी का कहना था कि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। केंद्रीय एजेंसी ने वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी LLP के कर्मचारी और मामले में सह आरोपी मनोज अरोड़ा को दी गई अग्रिम जमानत को भी चुनौती दी है। और जनपद बाराबंकी में गरीबों के हक के राशन को हड़पने वाले 2 कोटेदार के खिलाफ जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराकर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी SV शाही ने बताया कि मामला हैदरगढ़ तहसील के हसनपुर रबड़िया के कोटेदार लाल बहादुर और सदर तहसील के निंदनपुर का है। दोनों स्थानों पर राशन के गबन का मामला सामने आने पर मुकदमा दर्ज करवाने के आदेश दिए गए हैं। दोनों स्थानों की ई पॉस मशीनों को भी सील किया गया है, साथ ही साथ एक दुकान पर निलंबन की भी कार्रवाई चल रही है। लगातार आधार की सीलिंग कराई जा रही है और जो हमारा ई पॉस मशीन से वितरण है, आधार ऑथेंटिकेशन से वितरण है, ये हर माह उसमें वृद्धि हो रही है। रिपोर्ट जनरेट करके हम लोगों ने कुछ दुकानें चिन्हित। और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से उत्साहित 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने देश के भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर उनसे 3 तलाक विधेयक में बच्चों के भरण पोषण और स्त्री धन की वापसी जैसे मुद्दे शामिल करने की मांग की है। इसके साथ ही बहुविवाह पर भी रोक लगाने की मांग की है। देश में भाजपा की सरकार बनने से उत्साहित बरेली में 3 तलाक पीड़ित महिलाओं ने एक सामाजिक संस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी जिसमें अपना दर्द बयां करते हुए उन्होंने 3 तलाक विधेयक को जल्द पास करने और विधेयक में तलाक के विरुद्ध कानून बनाने के साथ भरण पोषण और स्त्री धन वापसी का भी मुद्दा उठाया। पीड़ित महिलाओं का कहना है कि सरकार की वापसी से वो काफी खुश हैं और चाहती हैं कि उनकी जो प्रधानमंत्री से उम्मीदें हैं वो जल्द पूरी हों। 2019 में जो भाजपा सरकार आई है इसमें एक अहम रोल 3 तलाक पीड़िताओं का रहा है इस सरकार को लाने में,
और ये पीड़िताओं ने भाजपा को खुल के वोट इसीलिए दिए हैं ताकि ये अपनी जो भी मांग है उसको पूरा करवा सके। और जिस तरह से तीन तलाक जैसी पीड़ा से मुस्लिम महिलाएं सालों से गुजर रही हैं, और इन महिलाओं का कहना है कि तलाक के बाद इनके बच्चे बेसहारा हो जाते हैं, इसके लिए सरकार ऐसा कानून बनाए जिसमें बच्चों को भी भरण पोषण दिया जाए। और जनपद एटा में पुलिस की वर्दी में एक बार फिर इंसानियत देखने को मिली। सोशल मीडिया पर दो ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें दो पुलिसकर्मी एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जब वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो जानकारी मिली कि यह वीडियो जनपद एटा के बागवाला थाना क्षेत्र का है, जहां सड़क के कार्य के लिए लाए गए तारकोल के ड्रम में रखे थे। गर्मी की वजह से तारकोल पिघल गया और अचानक एक मोर उस ड्रम पर आ गया, जिससे मोर ड्रम में रखे तारकोल की चपेट में आ गया और उलझ गया। तभी उधर से गुजर रहे एटा पुलिस के सिपाही शान मोहम्मद और प्रदीप कुमार की नजर राष्ट्रीय पक्षी मोर पर पड़ी तो आनन फानन में दोनों सिपाहियों ने मोर को बाहर निकाला और तत्परता से मदद कर राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान बचाई। और जनपद बाराबंकी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से बाराबंकी जिले के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भी गंभीर से गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। पूरे जिले में अब तक लगभग 2209 गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज हो चुका है। पूरे जनपद में 4 सरकारी अस्पतालों के साथ 11 निजी अस्पतालों में लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। योजना के मुख्य चिकित्साधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि प्रधानमंत्री की गरीब परिवारों के लिए ये महत्वपूर्ण योजना है, इसका लाभ पूरे देश में कहीं से भी लिया जा सकता है। और जनपद बाराबंकी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं आयुष्मान भारत गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। अधि पत्रकार देववर्षि नारद जयंती के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में मुख्य वक्ता राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि पत्रकारिता राष्ट्र के हितों को नजरअंदाज करके नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पत्रकार के लिए भी राष्ट्रवाद का मुद्दा जरूरी है। पिछले 5 वर्षों में पत्रकारिता में बहुत बदलाव आए हैं। पत्रकार को नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक खबरों को भी अब ध्यान देना चाहिए। सुभाष चंद्र सिंह ने कहा कि पत्रकार पर बाजार के दबाव, संबंधों के दबाव से बचकर समाज हित में और लोकहित की खबरों को उजागर करने का दायित्व है। नारद की जो लोकहित की पत्रकारिता, समाज की पत्रकारिता, सामाजिक कारों की पत्रकारिता। बहराइच के सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जेठ माह में लगने वाले मशहूर गंगा जमनी तहजीबी मेला आज से शुरू हो गया है, जो एक माह तक चलेगा। मेले में देशभर से सैकड़ों बारातें रात भर आईं, जिनका स्वागत मेला कमेटी व प्रशासनिक अधिकारियों ने किया। जंजीरी गेट से मजार शरीफ तक जायरीन बारातियों की भारी भीड़ रात भर जुटी रही और लोग अपने बाराती चढ़ावा चढ़ाते हुए दुआएं मांगी। ये मेला हिन्दू मुस्लिम एकता की मिसाल के रूप में जाना जाता है, जिसका सिलसिला वर्षों से चला आ रहा है। और बाराबंकी में परंपरागत खेती के बजाय आधुनिक खेती का चलन बढ़ता जा रहा है। जनपद के कई किसान मेंथा यानी कि पेपरमिंट की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मेंथा की खेती को करने में प्रति एकड़ औसतन लागत 15 से 20 हजार रूपये की लागत आती है और किसानों के मुताबिक एक एकड़ में करीब 50 से 60 किलोग्राम मेंथल ऑयल तैयार हो जाता है और फसल तैयार हो जाने पर व्यापारी अच्छे दाम देकर मेंथा ऑयल ले जाते हैं। आंकड़ों की अगर माने तो बाराबंकी जिले के 75% क्षेत्रफल में मेंथा की खेती की जाती है। बाराबंकी जिला पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले 33% मेंथा ऑयल का उत्पादन करता है। कट कर देना 15 से 20 हजार एकड़ खर्च आता है। पिछले दिनों में पहले तो इसका रेट सस्ता था, लेकिन पिछले लास्ट ईयर से 1918 से इसका रेट 1500 रुपये किलो बिक रहा है। अब 1500 रुपये किलो बिक रहा है, एक एकड़ में 50 से 60 किलो इसका उत्पादन हो रहा है। ये और 50 से 60 किलो इसका उत्पादन हो रहा है तो 1500 रुपये गुणा करें तो 60, आप समझिए 90 हजार का होगा। तो 90 हजार रुपया
किसान को 20-25 हजार रुपया खर्च करके 60 से 70 हजार रुपये का लाभ मिल रहा है या कम से कम पैदा होगा, तो किसान को 50 हजार रुपये का लाभ एक एकड़ में मिलना ही मिलना है। ये हमारी जायद की फसल है, इसका फरवरी में नर्सरी डालते हैं और नर्सरी एक महीने की तैयार हो जाती है, उसके बाद आलू या सरसों का खेत जब खाली होता है तो उसी में इसके रुपाई की जाती है। तो मतलब गेहूं की खेती होती थी पहले, एक चलन था, अब मेंथा, क्यों ऐसा क्या है इसमें? क्योंकि ये नकदी फसल है, मतलब अन्य फसलों की अपेक्षा इसमें नकद मिल जाता है, किसान का सारा काम इससे चल जाता है, खाली सीजन में इससे पैसा मिल जाता है। और सूचना प्रसारण मंत्रालय और अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज एक साथ मिलकर कुछ अनोखा करने की राह में हैं। इसी कड़ी में 28 को दोनों संगठनों के बीच महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इस दौरान फिल्म निर्माण से जुड़ी लगातार बदलती तकनीक को साझा करने के साथ साथ फिल्मों को रचनात्मक पक्षों को लेकर नई स्तर की समझ विकसित करने पर भी मंथन होगा। भारत की सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के बीच आने वाले वक्त में कैसे और किन क्षेत्रों में सहयोग किया जा सकता है, वो कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिस पर दोनों संगठन मिलकर काम कर सकते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर राजधानी दिल्ली में अगले 28 तारीख को सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के बीच महत्वपूर्ण चर्चाओं का दौर चलेगा। गौरतलब है कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ही वो संस्था है जो चर्चित ऑस्कर पुरस्कार देती है। इस महत्वपूर्ण चर्चा के केंद्र में सिर्फ ऑस्कर पुरस्कार ही नहीं होंगे बल्कि इन पुरस्कारों के आयोजन में खास हितधारकों की उपस्थिति को लेकर भी चर्चाएं होंगी। माना जा रहा है कि इस मौके पर फिल्म निर्माण से जुड़ी लगातार बदलती तकनीकों को समझने, साझा करने के साथ साथ फिल्मों के रचनात्मक पक्षों को लेकर नए स्तर की समझ विकसित करने पर भी मंथन होगा। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष जॉन बिलई सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे के साथ भी चर्चा करेंगे, जिसमें मंत्रालय उन कदमों की चर्चा करेगी कि कैसे विदेशी फिल्मकारों के लिए भारत में शूटिंग जैसी सुविधाओं के लिए न सिर्फ आर्थिक छूट और सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं बल्कि कागजी औपचारिकताओं के लिए सिंगल विंडो की व्यवस्था की गई है जिसे एक वेब पोर्टल के जरिए पूरा किया जा सकता है। विदेशी फिल्मकारों के लिए इन सुविधाओं में संयुक्त फिल्म निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग, छोटे शहरों में फिल्मों के प्रदर्शन में सहयोग तक की सुविधाएं शामिल हैं। मंत्रालय और एकेडमी के बीच होने वाली इस चर्चा में शामिल होने वाले जॉन बिलई हॉलीवुड के पहले ऐसे कैमरामैन हैं जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स के अध्यक्ष बने हैं, जिन्होंने ऑर्डिनरी पीपल, द बिग चिली जैसी कालजयी फिल्मों को पर्दे पर गढ़ा है। ऐसा माना जा रहा है कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बीच मंथन और चर्चाओं का ये दौर एक बड़े रचनात्मक बदलावों और भारत और विश्व सिनेमा के सहयोग की नई उड़ान को सुनिश्चित कर सकता है। इन चर्चाओं के परिणाम इसी साल नवंबर में गोवा में होने वाले भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी देखने को मिल सकते हैं। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का कर रहे हैं दौरा। उन्हें दोबारा चुनने के लिए पीएम काशी की जनता का करेंगे धन्यवाद। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी करेंगे दर्शन। सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को दूसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दिलाएंगे नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद को शपथ। लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में संकट गहराया। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़े। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर अपने परिजनों को पार्टी से ऊपर रखने का लगाया आरोप। कहा इससे पार्टी की छवि हुई खराब। और लोकसभा चुनाव होने के बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने हटाई आदर्श आचार संहिता। चुनाव आयोग ने पत्र जारी कर दी जानकारी। थमे हुए विकास कार्यों में एक बार फिर आएगी तेजी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।